कौन? नहीं आज नहीं आया, ऑनलाइन था। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 352 मीटर्स, इज 352 मीटर्स कॉमा देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स इज, ये ऐसे ही डराता रहता है, तो अपने आप खुल जाता है बीच बीच में। देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स इज, ऑप्शन दे रखे हैं 5986, ऑप्शन बी 6589, ऑप्शन सी 7952, ऑप्शन डी 9856, अभी क्वेश्चन के साथ साथ ही देखते चले जाओगे तुम, समझ में आ जाएगा। कोई नई चीज नहीं है इस चैप्टर में। देखिए, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 352 मीटर्स, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है। तो हाँ, तो निकालो, गिवन 2πr इज इक्वल टू 352 मीटर्स, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 352, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू 352। अब आप ये देखिएगा कि ये जो 352 है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है? नहीं। हम ये देखते हैं अल्टरनेट प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट प्लेस, एक मिनट शांति, ये फर्स्ट प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस पर क्या है, 3 और 2 दोनों को ऐड कर दो, मतलब ये ऑड प्लेसेस हैं। फर्स्ट और थर्ड, 1 और 3 क्या होता है, ऑड प्लेसेस होते हैं, और ये इवन प्लेस पर क्या है, 5, तो ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस अगर मैं लेता हूँ, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम, अगर उसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो फिर वो टोटल नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये देखा 11 2 22, और क्योंकि 3 + 2 5, 5 - 5 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 3 = 33, 35 - 33 हो गया 2, 2 2 = 22, 11 2 = 22, 32 आ गया, 2 16 = 32, अब इधर एक 2 और बच रहा है, तो 2 8 = 16, तो आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 8, 7 × 8 कर दीजिए तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 56 मीटर, ठीक है। ये हमारा रेडियस आ गया। अब वो बोल रहे हैं देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, तो एरिया क्या होता है बताओ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 56 मल्टीप्लाइड बाई 56, 7 8 = 56, अब 22 × 56 कर दीजिए, पहले 56 है, 22 है, 2 6 = 12, 1 कैरी, 2 5 = 10 और 1 11, 2 1 1, ये 2 हो गया, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 1 2 3 2 आ गया, 56 × 22 आ गया, 1 2 3 2, 1 2 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 2 = 16, 1 कैरी आ गया, 8 2 = 16, 1 कैरी आ गया, 8 3 = 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 8 2 = 16 और 2 18, 1 कैरी आ गया, 8 1 = 8 और 1 9 9856 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, क्लियर है, समझ गए? अक्षत, इंदर, इशिता, न्यासा, बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। विदिशा, क्लियर है? चलें आगे। यस सर।
ठीक है जी, ये मिटा रहा हूँ मैं, अगला देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अरे ये है तो सही, इतने दिन से कराते हैं। हाँ हाँ अरे घर के लिए यही बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा ना, जितने कराता हूँ उसके अलावा। बस अरे तो टर्म वन की ही है ये, टर्म टू की नहीं है क्या? हाँ तो फिर पूछ क्यों रहे हो, पता भी है और पूछ भी रहे हो क्या पीके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें है द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग। द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बता रहा हूं, द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, आर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ही बात, स्क्वायर सेंटीमीटर। फुल स्टॉप, द ब्रेथ ऑफ द रिंग इज। द ब्रेथ ऑफ द रिंग इज, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 7/2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये दे रखा है इन्होंने, द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग। कॉन्सेंट्रिक का मतलब रिंग, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल है, समझ गए? मतलब दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है ना, दोनों का सेंटर सेम है। तो मैंने कहा कि पहले एक सर्कल है ये, और इसके बाहर ये दूसरा सर्कल है, ये दो सर्कल दे रखे हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, इसके रेडियस को आप मान लो R1, और जो बाहर वाला सर्कल है इसके रेडियस को आप मान लीजिए R2। ठीक है, तो अंदर वाला जो सर्कल है उसका एरिया दे रखा है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला है उसका एरिया दे रखा है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, वो पूछ रहे हैं, हाँ वो पूछ रहे हैं कि हमें रिंग का ब्रेथ बताना है। तो ये क्या है, ये बीच में रिंग ही तो बन रहा है, ये रिंग बन रहा है। तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो केवल इस रिंग का एरिया आ जाएगा, केवल इस रिंग का एरिया आ जाएगा, है ना? और रिंग का जब एरिया आएगा मेरे पास, तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि R2 - R1, R2 में से अगर मैंने R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये विड्थ बच जाएगा इसका। R2 और R1 निकालना पड़ेगा उनको, या R2 R1 मत निकालो, सीधा R2 और R1 का डिफरेंस निकाल लो। चलो चलो, तो देखो, द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर, अंदर वाला जो है, एरिया ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाला जो सर्कल है उसका एरिया कितना दे रखा बेटा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है R1, तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है बेटा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। हाँ,
इलेवन टू जा 22 और 11 वन जा 11, 15 माइनस 11 हो गया 4, 4 4 44, 11 4 जा 44, तो 2 7 जा 14, इधर 7 है, R1 square upon 7 is equal to 7, तो क्या हो जाएगा, R1 square is equal to 7 का स्क्वायर, तो यहां से R1 की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, समझ गए? ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R2 square इज इक्वल टू 616। यहां पर भी आप ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करके डिफरेंस करो, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस इवन प्लेस पर क्या है 1, 12 माइनस 11 क्या हो गया 11, 12 माइनस 1 क्या हो गया 11, 11 इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 टू जा 22 और इधर 616 है, 11 5 जा 55, 61 माइनस 55 हो गया 6 और 6 6 66, 11 6 जा 66, 228 जा 56, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7। देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 28 को बेटा हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4, 28 की जगह मैंने लिख दिया 7 इंटू 4 और लास्ट में तो 7 था ही, तो R2 स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर आ गया। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बोलो? यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब वो विड्थ पूछ रहे हैं, तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1, विड्थ ऑफ रिंग इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि 14 माइनस 7 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, फुल स्टॉप, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 500 रिवोल्यूशंस। मल्टीप्लाई हम ये कहते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। व्हील का डायमीटर दे रखा है 1.26 मीटर, डायमीटर दे रखा है, याद रखना, हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें खैर, अच्छा सॉरी, मैंने ऑप्शंस तो लिखे ही नहीं इसके। अरे कोई बात नहीं ना, उसी में तो पता चलता है, ऑप्शंस में ही तो कंफ्यूज कर देते हैं ये। ऑप्शन ऐसे देंगे कि अगर आपने डायमीटर को रेडियस मान के कर दिया तो भी सही आंसर आ जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ऑप्शन लिखो पहले, ऑप्शन ए है 2670 मीटर, ऑप्शन बी है 2880 मीटर, ऑप्शन सी है 1980 मीटर,
और ऑप्शन डी क्या है, 1596 मीटर। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ, 1.26 अपॉन 2। 2 0 0, 1 तो नहीं आता 2 के टेबल में, फिर 12 हो गया, 2 6 12, और फिर उसके बाद 2 3 6, तो ये हो गया रेडियस 0.63 मीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। टू इंटू, हाँ हाँ हाँ, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, 0.63। तो पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, और 7 9 63। अब क्या करो, 2 × 22 कितना हो गया, 44 × 9/100। डिवाइड करने की कोशिश मत करना, बताता हूँ क्यों, कट जाएगा। 9 4 36, 3 carry 9 4 36 और 3 39, 396/100 मीटर इतना आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ये आ गया, तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन में इतना, तो 500 में कितना मल्टीप्लाई कर दें, है ना। Therefore, पता नहीं, चलो देखते हैं। देयरफोर डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 396/100। अभी ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 6 30, 3 carry 5 9 45 और 3 48, 4 carry 5 3 15 और 4 19 1980 मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर ऑनलाइन वालों को, आदित्य क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इफ द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ अ ट्रेन इज 4:2/7 मीटर। If the wheel of an engine of a train is 4:2/7 meter in circumference, बोला ऐसे ही जाता है, इन सर्कमफ्रेंस मेक्स 7 रिवॉल्यूशंस। क्या कह रहे हो, मेक्स 7 रिवॉल्यूशंस इन 4 सेकंड्स। कॉमा, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज
ऑप्शन ए है 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 26 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 27 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर पर आवर। इफ द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ अ ट्रेन इज 4:2/7 मीटर इन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, मतलब उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 4:2/7 मीटर है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना एक रिवॉल्यूशन में, इतना डिस्टेंस उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है सर्कमफ्रेंस के बराबर, और सर्कमफ्रेंस कितना है 4:2/7, यानी कि 7 4 28, 28 और 2 30, 30/7 मीटर, तो एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो, तो 7 रिवॉल्यूशन में कितना करेंगे बोलो, इंटू 7, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 30/7 × 7, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 30 मीटर, ठीक है। अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि 4 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो 30 हो गया, ठीक है, और टाइम कितना हो गया 4 सेकंड्स, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 30 मीटर और टाइम कितना है 4 सेकंड, तो ये आ जाएगा, हाँ सुनिए, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें जो आंसर है वो तो किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं ऑप्शंस, तो कैसे करें किलोमीटर पर आवर में, कैसे करें किलोमीटर पर आवर को, हाँ इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, पता है कि नहीं, ठीक है, नहीं पता, अगर नहीं पता तो कोई और तरीका बताऊं, 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तो ये 5 6 30 और 2 2 4, 2 9 18, 2 3 6, तो 3 9 27 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी यही आ रहा था आपका 30। अच्छा वो तो तुम जल्दी में रहते हो ना, गलती कर देते हो, आराम से करा करो समझ के बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ठीक है, चलिए जी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अ टूथ्ड व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर अ टूथ्ड व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू अ स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर
इज अटैच्ड टू अ स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर. फुल स्टॉप. हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द स्मॉलर व्हील मेक How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15 revolutions? When the larger one makes 15 revolutions. अब ना इस क्वेश्चन को पहले आप समझने की कोशिश करना, ये जो टूथ्ड व्हील है ये कौन सा व्हील होता है? ये ऐसा व्हील होता है कि जो मशीनरी चलती है ना, मशीनरी जिस तरीके के व्हील से चलती है उसको हम टूथ्ड व्हील बोल देते हैं. एक व्हील घूमता है तो उसके साथ दूसरा, क्या बोल रहे हो, जैसे गियरबॉक्स. बिल्कुल सही. तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ना एक व्हील ऐसे है, ऐसे दूसरा व्हील जो है वो इस तरह से है. ऐसे है, तो ये व्हील अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाला व्हील ये ऐसे घूमेगा, तो ये वाला व्हील इस डायरेक्शन में घूमेगा. ठीक है, इसको बोल देते हैं हम टूथ्ड व्हील. टूथ्ड व्हील मतलब जिसमें टूथ निकले रहते हैं, दांत निकले रहते हैं, उसको टूथ्ड व्हील बोल दिया हमने. तो एक व्हील जितना घूमेगा दूसरा व्हील भी उतना ही घूमेगा. तो अब आप ये देखिए, इन्होंने बोला अ टूथ्ड व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू अ स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर. तो ये जो बड़ा वाला है, मान लो कि ये बड़ा है, लग तो दोनों सेम ही साइज के रहे, तो एक का डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया, आर वन बोल दो 25 सेंटीमीटर, और ये जो है 30 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो इसका रेडियस जो है वो हो गया आपका 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रिवॉल्यूशंस. ठीक है, व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रिवॉल्यूशंस, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रिवॉल्यूशंस. एक मिनट शांति रखा करो, तुम ना बोलते बहुत हो. How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15 revolutions? Larger वाला 15 revolution में जो distance travel करेगा, समझ रहे हैं? Larger one वाला जो है, जो larger wheel है, वो 15 revolution में जितना distance travel करेगा, distance तो छोटे वाला भी उतना ही travel करेगा, ठीक है? जो छोटे वाला wheel है, वो भी उतना ही distance travel करेगा. तो लेकिन छोटे वाले का radius कम है. तो जब छोटे वाले का रेडियस कम है तो इसका मतलब वो रिवॉल्यूशन ज्यादा करेगा. समझ रहे कि नहीं? जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जो फ्रंट वाला व्हील है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो हम पेडल जिससे कनेक्टेड होता है, और जिससे व्हील कनेक्टेड होता है वो वाला जो एक्सल है वो छोटा होता है, वो जो व्हील है वो छोटा होता है. तो मैं उसको एक बार घुमाता हूँ तो पीछे वाला शायद 10 या 12 बार घूम जाता है. तो वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहे हैं. तो मैं इसमें आपको ऑप्शन बता रहा हूँ. 18 में चार ऑप्शन दे रखे हैं. ए है 23, ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25, और ऑप्शन डी है 26. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो 15 रिवॉल्यूशन करता है, तो मैं ये कहूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लार्जर व्हील या डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं कहेंगे, कवर्ड कह देंगे हम, है ना, क्योंकि वो है तो एक ही प्लेस पर.
डिस्टेंस कवर्ड बाई लार्जर व्हील इन इन 15 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू, जो बड़े वाला व्हील है वो 15 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक जो रिवॉल्यूशन है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो 15 में कितना 15 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 पाई आर वन, ठीक है। अभी मैंने इसमें पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पाई की टर्म्स में ही छोड़ देंगे। 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर वन कितना है 25, 15 टू 30, 30 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 पाई क्या सेंटीमीटर, है ना। तो सीधी बात है, देखिए कि जितना बड़े वाले व्हील ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, जो छोटा वाला व्हील है वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देयरफॉर स्मॉलर व्हील ऑल्सो कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेवन फिफ्टी पाई सेंटीमीटर। बेटा एक मिनट बस वेट करिए जरा। The smaller wheel also covers the same distance, 750 pi centimeter. तो हम ये कहेंगे 750 pi centimeter, इसने भी smaller wheel ने भी इतना ही distance travel करा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को बोल दिया स्मॉल एन, मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंस कितना है, सर्कमफ्रेंस जो है छोटे व्हील का वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर टू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, तो सेम है डिस्टेंस कवर्ड है 750 पाई, अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया यहां पर, तो एन मल्टीप्लाइड बाई टू इंटू आर टू कितना है रेडियस इसका 15। ये वाली चीज समझ में आ रही है सबको कि नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो आर टू कितना है, इसका रेडियस कितना है 15 इज इक्वल टू 750, तो 15 टू 30 इंटू एन इज इक्वल टू 750, जीरो से जीरो कैंसिल, 325 जा 75, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना हो गया जो स्मॉल व्हील करेगा 25 रिवॉल्यूशंस, 25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
25 रिवॉल्यूशंस हो गया। अच्छा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल होना चाहिए, इज 37 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 149 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। तो गिवन सर्कमफ्रेंस में और रेडियस में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 37। यहां से इन्होंने पूछा क्या था, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया निकालेंगे, हमने आर ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2π-1 इज इक्वल टू 37, तो आर कितना हो जाएगा 2 × 22/7-1 इज इक्वल टू 37। आर मल्टीप्लाइड बाई 2 × 22 कितना हो गया 44/7-1 इज इक्वल टू 37। इसका एलसीएम ले लो तो 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 44-7/7 इज इक्वल टू 37। तो आर मल्टीप्लाइड बाई 37/7 इज इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल आउट, ये 7 इधर चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस आ गया, लेकिन रेडियस नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि एरिया कितना होगा सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7, R का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 × 7 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है इसका आंसर। बताइए जी क्लियर है सभी को? ठीक है जी, अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20।
सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है सर्कमफ्रेंसेस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, आर 88 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 88 सेंटीमीटर एंड 6 नहीं सॉरी 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, द विड्थ ऑफ द रिंग इज 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 7/2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 21 सेंटीमीटर। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं उनके सर्कमफ्रेंस दे रखे हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि सर्कल के अंदर सर्कल है, मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा, ठीक है। तो मैंने बोला एक सर्कल तो ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया इसके अंदर वाला, इसका रेडियस बोल दीजिए आर वन, इसका रेडियस बोल दीजिए आर टू, आर वन और आर टू ये दो हो गए। अब मुझे क्या करना है इसमें कि द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66, तो बाहर वाले का तो सर्कमफ्रेंस 88 है यानी कि 2 पाई आर टू इज इक्वल टू 88 एंड 2 पाई आर वन इज इक्वल टू 66। तो क्या करो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन वन, इसको बोलो इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर टू माइनस 2 पाई आर वन इज इक्वल टू 88 माइनस 66। 2 पाई कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में है आर टू माइनस आर वन, 88 माइनस 66 कितना हो गया 22, ठीक है। 2 पाई, अब पाई की वैल्यू डाल दो, और तुमने करके देखा करो 2 × 22/7 × R2 − R1 इज इक्वल टू 22, 22 × 1 = 22, 22 × 1 = 22। ये जो 7 है ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 − R1 रह गया, 7 इधर चला गया क्योंकि डिवाइड में था तो ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे आ गया, तो 7/2 सेंटीमीटर यही विड्थ है। विड्थ ऑफ द रिंग पूछ रहे हैं तो वो 7/2 सेंटीमीटर ही,
ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। बताइए जी, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे, बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा। और मेरा तो सजेशन है, आप चाहे तो मास्टरमाइंड ले लो, चाहे अरिहंत ले लो, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। बाकी इसमें से तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज ही रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके।